टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के संजय नगर में एक ही रात में चार जगह चोरी होने से दुकानदारों और स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है कि चोर जब मंदिर की दान पेटी तक नहीं छोड़ रहे हैं तो कब किसका घर और दुकान चोरों के निशाने पर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और मंदिर सहित एक घर दो दुकानों को चोरों ने अपना निशाना भी बना दिया है। आपको बता दें कि रात के समय चोरों ने पहले एक डॉक्टर खुर्शीद अहमद के दवाखाने का ताला तोड़ा और फिर आरती किराना स्टोर का शटर तोड़ा। इसी तरह से एक घर का ताला तोड़कर सोने चांदी की जेवर की चोरी की, फिर हनुमान मंदिर में रखे दान पेटी को भी तोड़कर पैसे निकाल लिए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर खुर्शीद के दवाखाने में ताला तोड़कर शटर का ये चोर घुसे और यहाँ पर उन्हें कुछ मिला नहीं, सिर्फ गले में थोड़ा बहुत कैश रखा हुआ था जो चोर लेकर फरार हो गए। और इसी तरह से आरती किराना स्टोर, ये स्टोर भी दवाखाना दोनों अगल बगल में ही है और किराना स्टोर के मालिक संतोष गायकवाड़ ने बताया कि किराना स्टोर का शटर तोड़कर चोर अंदर घुसे, यहाँ गले में कैश नहीं मिला तो चोरों ने तेल का 5 से 6 डब्बा लेकर यहाँ से फरार हो गए। इसी तरह से प्रदीप महानारवर के घर जनाबाई चाल में जो घर है इनका, वहाँ पर लगे घर में लोहे के गेट का जो ताला था उसे चोरों ने तोड़ दिया और घर में दाखिल हो गए और कबाट का लॉक भी तोड़कर कबाट में रखे सोने चांदी के जेवर लेकर चोर फरार हो गए। प्रदीप ने बताया कि रात में घर में कोई सोया नहीं था और प्रदीप के माता पिता भी घर से बाहर गए हुए और प्रदीप अपने दूसरे घर पर सोए हुए थे और रात के समय में चोरी हो गई है। चोरों ने हनुमान मंदिर को भी नहीं छोड़ा, मंदिर में रखी दान पेटी का ताला तोड़कर हाथ साफ कर लिया है। लोगों ने बताया कि मंदिर का दान पेटी साल में एक बार खोला जाता था जिससे काफ़ी दान का पैसा हुआ करता था, मगर अब वो दान का पैसा चोरी हो गया है। इसी तरह से संजय नगर में चार चार चोरी होने की वारदात से भय का माहौल बना हुआ है। हालांकि सभी ने बताया कि चोरी की जानकारी पुलिस को दी गई है, मौके पर पुलिस भी आई थी, मगर हमारे इस न्यूज़ को कवर करने तक गुनाह दाखिल नहीं हुआ था। प्रदीप महानारवर और मंदिर में चोरी की घटना पर दीपक दास ने क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप महानारवर। ये एरिया कौन सा है? संजय नगर हनुमान मंदिर जनाबाई चौक। आपके यहाँ पे चोरी की घटना हुई है, क्या क्या चोरी हुआ है यहाँ पे? लगभग 4 से 5 तोला गोल्ड गए और 250 ग्राम चांदी गए और यहाँ से ये खोल के चोर अंदर घुसा और अंदर जाके कबर्ड फोड़ा है। लगभग 2 से 4-5 के बीच में ये हुआ है। यहाँ घर में कोई सोता नहीं था? नहीं, पापा रहते थे, वो मम्मी पापा गाँव गए इसलिए मैं वहाँ पे सोया था। वो आप कहाँ सोए थे? मैं यहीं पे रहता हूँ, ये भी हमारा ही रूम है। कभी मतलब दूसरे घर पे आप? हाँ, अब मैं दूसरे रूम में था इसलिए यहाँ पे लॉक करके सोया था और लॉक के ऊपर भी कपड़ा था, तो हो सकता है कि यहाँ से भी किसी ने बोला है। तो पुलिस आई थी यहाँ पर? हाँ, आके गए, पंचनामा करके गए, अभी उन्होंने वापस FIR हुआ है अभी कुछ? अभी तक नहीं हुआ है, उन्होंने उसी के लिए बुलाया पुलिस। आपको बुलाया पुलिस? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक दास। यहाँ मंदिर में चोरी हुई है, क्या पूरा मामला है, कब चोरी हुई है और क्या अभी तक आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट वगैरह करा? मामला है कल रात का मामला है, रात को 2 से सुबह 4 के करीब का मामला है। यहाँ मंदिर की दान पेटी तोड़कर चोरी की गई है। पुलिस में कंप्लेंट वगैरह कुछ कराया गया है अभी मंदिर के तरफ से? इत्तला की गई थी हमारे सदस्य ने, तो बोले हम लोग बाद में आके इंक्वायरी करते हैं। दान पेटी मतलब कब से, साल में एक बार खुलती है या महीने में खुलती है? साल में एक बार। अनुमान से कितना पैसा रहा होगा कुछ ऐसा अनुमानित तौर पर? अनुमानित तौर पर तो नहीं बता सकते हैं, मतलब दान पेटी साल में एक बार खुलती है। साल में एक बार। पुलिस आई थी यहाँ पे? अभी नहीं नहीं, पुलिस नहीं है। इन्फॉर्म किए पुलिस को? पुलिस को इन्फॉर्म करना है।